अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको डी हॉर्निंग इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे कि डी हॉर्निंग इन्फेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी जानवर के हम सींग जड़ से काटते हैं या जानवर लड़ाई करते वक्त सींग एक दूसरे के तोड़ देते हैं तो उसके बाद एक इन्फेक्शन बनता है जिसे डी हॉर्निंग इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन बनने की सूरत में जानवर के सींग से पीप आना शुरू हो जाती है और बदबू भी आती है, दूर से स्मेल आती है, बहुत ही गंदी बदबू आती है। तो दोस्तों, अगर इस तरह का इन्फेक्शन बन गया है तो उस सूरत में आपने सिर्फ 3 इंजेक्शन लगाने हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो इंजेक्शन है, आपने सूजन कम करने वाला जो इंजेक्शन है, कीटोजेक्ट है, लॉक्सन है, फ्लोनक्सन मिग्लोमिन जिसमें है, और भी कोई भी आप इंजेक्शन सूजन कम करने के लिए लगा सकते हैं। और साथ में आपने 2 एंटीबायोटिक देनी है, एक का नाम है पेनिसिलिन, चाइना वाला टीका है जिसमें है जी पेनिसिलिन, और दूसरा है वो है जी ट्राइपरसन। तो वो आपने जो इंजेक्शन है, जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, ये आपने 20 ml गोश्त में लगा देना है। जो ट्राइपरसन का है इंजेक्शन, ये 15 ml आपने गोश्त में लगा देना है। और जो डिक्लोरान है या कोई भी सूजन कम करने वाला इंजेक्शन है, वो आपने उसी बॉडी वेट के